सो गाइज, आप सबको पता होगा कि Redmi ने तैयारी कर रखी है अपनी Note 10 सीरीज को मार्केट में लॉन्च करने की, और अब ज़्यादा दिन का वेट आपको इसके लिए नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 4 मार्च को Redmi की तरफ से ऑफिशियली Note 10 सीरीज लॉन्च हो जाएगी और ये ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगी और इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन लॉन्च से पहले इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, तो Note 10 सीरीज के स्मार्टफोन्स के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्वागत आप सबका हमारे चैनल पर, जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी टेक वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं Redmi Note 10 सीरीज़ की, तो इसमें आपको 3 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। इसमें Redmi Note 10 स्मार्टफोन होगा और इसका जो प्रो वेरियंट होगा उसके 2 वर्जन आपको देखने को मिलेंगे। इन टोटल 3 स्मार्टफोन्स में से 2 4G होंगे और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट होगा वहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं वनीला वेरिएंट के बारे में, यानी Redmi Note 10 के बारे में। इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी टाइम के बाद एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसका साइज होगा 6.4 इंच। जी हाँ दोस्तों, ये आप कंफर्म मान सकते हैं कि Redmi Note 10 स्मार्टफोन में 6.4 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले आपको दी जाएगी जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आने वाली है और यहाँ पे 60 हर्ट्ज की ये डिस्प्ले होगी। लेकिन यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड में लगा होगा और इसके अलावा सेंटर में पंच होल का डिज़ाइन इस डिस्प्ले में दिया गया है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 678 चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि स्नैपड्रैगन 600 सीरीज का एक लेटेस्ट प्रोसेसर है और ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करवा देगा। इस प्रोसेसर के साथ में यहाँ पे 6GB तक का रैम होगा और इसके अलावा 64 और 128 2 वेरिएंट यहाँ पे आपको इसके इंटरनल स्टोरेज के देखने को मिलेंगे। अगर इसके कैमराज के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये आप कंफर्म मान सकते हैं कि 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप आपको Redmi Note 10 स्मार्टफोन में दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 5000mAh की बैटरी होगी। तो अगर ओवरऑल बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा बजट सेगमेंट के कस्टमर्स के लिए, यानी कि आप इसका प्राइस मान सकते हैं अप्रोक्स 13,000 के आसपास। इस प्राइस रेंज के हिसाब से एक ठीक ठाक ऑप्शन ये काफ़ी सारे कस्टमर्स के लिए हो सकता है। वहीं पे अगर बात करते हैं Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन की, तो जो इसमें पहला स्मार्टफोन होने वाला है उसमें आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर के साथ में वो आएगा। उसके अंदर भी आपको 5G का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो इसके 3rd स्मार्टफोन के लिए रखा गया है। जो Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन का 5G वेरिएंट होगा दोस्तों, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी एक 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले, लेकिन ये एमोलेड नहीं होगी, IPS LCD पैनल यहाँ पे लगा होगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करते हैं तो ऐसी न्यूज़ है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 768 प्रोसेसर। ये प्रोसेसर 765G प्रोसेसर का एक सक्सेसर है और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, साथ में 5G का सपोर्ट भी इसमें दिया जाएगा। इस स्मार्टफोन में आपको दोस्तों 6GB और 8GB के रैम वेरिएंट मिलेंगे और यहाँ पे आपको एक वेरिएंट 256GB स्टोरेज के साथ में भी देखने को मिल सकता है। अगर इसके कैमराज की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी कमाल होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी आप कंफर्म मान सकते हैं कि जो हाईएस्ट वेरिएंट होगा इस सीरीज़ का, वहाँ पे 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिलेगा। इसके अलावा जो इसका फ्रंट कैमरा होगा वो 32 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगी इस बार IP रेटिंग और ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट भी इसमें दिया जाएगा। अगर बैटरी की बात करते हैं तो इन स्मार्टफोन्स में भी आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी, लेकिन जो इसकी फास्ट चार्जिंग होगी वो 33W की आपको देखने को मिलने वाली है। तो अगर ओवरऑल दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, तो 2 स्मार्टफोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे दी जाएगी लेकिन कोई हाई रिफ्रेश रेट वहाँ पे नहीं मिलेगा। जबकि अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले चाहिए तो एक वेरिएंट में वो भी आपको मिलेगी जिसमें 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले दी जाएगी। इसके अलावा अच्छी बात है कि 4G और 5G दोनों तरह के स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप पिक कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसकी क्वालिटी का तभी पता लगेगा जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा और इसकी टेस्टिंग होगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको 3 दिन का और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद एग्जैक्ट पता लग जाएगा आपको कि किस स्मार्टफोन में क्या कुछ देखने को मिलेगा और कितनी प्राइसिंग के ऊपर ये आएंगे। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस की हम बात करते हैं तो जो स्टार्टिंग वेरिएंट होगा 13,000 रुपये के आसपास आपको वो मिलेगा। इसके अलावा जो Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन होगा वो 15,000 से 17,000 रुपये के बजट में आएगा और जो इसका हाईएस्ट वेरिएंट होने वाला है दोस्तों वो 20,000 से 22,000 रुपये के बजट में आपको देखने को मिलेगा। तो यही है दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन Redmi Note 10 सीरीज़ के बारे में।
आप हमें बताइए कि आप इन स्मार्टफोन्स के बारे में क्या सोचते हैं और आप कौन से स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।